हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं आपके सितंबर माह के करंट अफेयर पर। आज के इस वीडियो में हम 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। आज का हम चालू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम देखेंगे कुछ चर्चित स्थान, कुछ रैंकिंग और कुछ व्यक्ति विशेष पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में है आपका लेमरू एलिफेंट रिजर्व। लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो कि खोला गया है, आपके खोला जाने वाला है आपके कोरबा में, कोरबा जिले के अंतर्गत। इस लेमरू एक्चुअली में एक छोटा सा अभ्यारण्य है जिसे एलिफेंट रिजर्व के रूप में डेवलप किया जा रहा है। समझिएगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इसको करेक्ट कराया था। करंट अफेयर के भी कुछ आपके न्यूज़पेपर के कट पीस मैंने शेयर किए थे, जिसमें आपका 195 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ था। ठीक, देखिए अभी ये आंकड़ा कितना लिखा हुआ है, ये आंकड़ा लिखा हुआ है आपका 1995.48 वर्ग किलोमीटर। ठीक, पेपर में कुछ पेपर में स्पेशली आपके नव भारत में ही आया था, जिसमें 1995 को उसने 195 लिख दिया था, लेकिन फाइनली आपके जो हमारे प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में ये डाटा क्लियर हो गया है। एक्चुअली में यदि आप देखेंगे तो ये जो लेमरू, जो आपका लेमरू का जो वन परिक्षेत्र है या लेमरू जो छोटा सा एक अभयारण्य है, उसका एक्चुअली में जो उसका जो एरिया जो वो कवर करता है वो है आपका 450 वर्ग किलोमीटर, 450 वर्ग किलोमीटर के आसपास का वो एरिया कवर करता है। लेकिन हमारे प्रदेश में जो है वो मानव हाथी द्वंद काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए थे, जिससे आपके जान माल की हानि होती थी, हाथी मानव बसावटों में प्रवेश कर रहे हैं, तो हाथी को विचरण करने के लिए एक बहुत बड़े एरिया की जरूरत है। तो लेमरू का वो 450 वर्ग किलोमीटर का एरिया, उतने एरिया में वो हाथी को एक जगह उन्हें स्टेबल करके रखना पॉसिबल नहीं है, एक जगह उन्हें एकत्रित करके रखना पॉसिबल नहीं है। हाथी है, विचरण तो करेंगे ही, तो इसलिए क्या किया गया, इस जो लेमरू वन परिक्षेत्र है उसकी जो एरिया है उसे 4 गुना बढ़ा दिया गया, यानी 450 वर्ग किलोमीटर को अब 4 गुना बढ़ा दिया गया है। और ये अब 1995, ये आंकड़ा एकदम अपडेटेड डाटा है, इसे याद रखिएगा, 1995.48 वर्ग किलोमीटर का एरिया इस लेमरू एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत कवर होगा। यानी इस ये जो 1995.48 वर्ग किलोमीटर है, इसके अंतर्गत आपका कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और सरगुजा, इन 4 क्षेत्र को मिला करके इसे 1995 वर्ग किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। कौन कौन सा? कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, सरगुजा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेमरू वन परिक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, या कौन कौन से क्षेत्र इस लेमरू एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत शामिल है, प्रश्न पूछ सकता है। कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और सरगुजा। ठीक, देखिए अगर हम इस आंकड़े की बात करिए, 1995.48 वर्ग किलोमीटर, हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा, हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका जो एरिया है वो भी है आपका 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, 1441 वर्ग किलोमीटर, उस 1441 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये आपका लेमरू वन परिक्षेत्र। तो लेमरू वन परिक्षेत्र कोरबा जिले में है, जिसके अंतर्गत कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और आपका सरगुजा का एरिया आ रहा है। इसके अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व डेवलप किया जा रहा है 1995 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। इसमें आपका 237, देखिए जब ये लेमरू वन परिक्षेत्र में जब एलिफेंट रिजर्व डेवलप किए जाने की बात की गई, तब उसमें एक आंकड़े निकल के सामने आया कि हमारे प्रदेश में जो कैबिनेट की बैठक में जो आंकड़े बताए गए हैं, उसमें यह बताया गया है कि हमारे जो प्रदेश में लगभग आपके 237 हाथी विचरण कर रहे हैं, यानी एट प्रेजेंट हमारे प्रदेश में हाथियों की संख्या है आपका 237। ठीक, जो कि आपका सरगुजा बीएसपी मतलब बिलासपुर, सरगुजा बिलासपुर और रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत आते हैं, या इस वन वृत्त के अंतर्गत इन हाथियों की संख्या को काउंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आजकल इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वन मंत्री, प्रदेश में वर्तमान के वन मंत्री कौन है या वन विभाग किन्हें सौंपा गया है, तो मोहम्मद अकबर। मैच द फॉलोइंग में, या आपसे सिंगल वन लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदेश के वर्तमान में वन मंत्री कौन है या वन विभाग किन्हें सौंपा गया है, तो वो है आपके मोहम्मद अकबर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
ठीक, देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो जिसका आयोजन किया जा रहा है आपके रायपुर में, रायपुर जिले में पहली बार, प्रदेश में पहली बार रायपुर जिले में आपके 28 और 29 दिसंबर को आपका प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ठीक, ट्राइबल डांस, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो कि रायपुर में आपके साइंस कॉलेज, रायपुर के साइंस कॉलेज में आपके 28 और 29 दिसंबर में आपके इस आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, डेट स्पेशली याद रखना है 28 और 29 दिसंबर को। उद्देश्य जनजातीय व लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। देखिए हमारे प्रदेश में जो आपके बहुत प्रकार के या आपके लोक नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, आदिवासी नृत्य है, जैसे आपका बैसन हॉल नृत्य, एबाल तोर नृत्य, या फिर आपके कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, ये जो नृत्य है इसे ये कहीं ना कहीं आपके पिछड़ते जा रहा है, तो इन्हें एक प्रकार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा ताकि इन्हें एक राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। इसीलिए इस आपके आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है साइंस कॉलेज में, साइंस कॉलेज के मैदान में 28 और 29 दिसंबर में इसका आयोजन होगा। साथ ही साथ कैबिनेट, देखिए जो निर्णय है ये कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, कैबिनेट के द्वारा एक और निर्णय लिया गया है खेल महोत्सव का। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तरह राष्ट्रीय खेल महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा आपके रायपुर में। रायपुर के विभिन्न आपके खेल के जो मैदान है, खेल के मैदानों में वहां पर आपके खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए। आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण अंचल के जो युवा है, युवा हो गए या वहां के जो छात्र छात्राएं हो गए, वो अन्य प्रकार बहुत सारे प्रकार के खेलों में वो काफी आपके पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उन्हें अपने उस प्रतिभा को दिखाने का अवसर नहीं मिलता। इसके लिए अब खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस खेल महोत्सव का आयोजन सेम डेट 28 और 29 दिसंबर के आसपास ही इस खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये जो खेल महोत्सव है, खेल महोत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, दोनों राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और खेल महोत्सव दोनों का समापन होगा आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को इन दोनों समारोह का या दोनों महोत्सव का समापन होगा। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का आपका जयंती रहता है, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती, जिसे युवा दिवस के रूप में लोग मनाते हैं, ठीक। तो ये जो है ये दोनों महोत्सव का आयोजन होगा आपका 28 और 29 दिसंबर के आसपास से, और इसका समापन होगा आपका 22 जनवरी को, जो कैबिनेट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है आपका डेरी गंडाई रस्म। डेरी गंडाई रस्म, देखिए बस्तर के दशहरे में रथ निर्माण के लिए सबसे पहला रस्म जो मनाया जाता है वो है आपका पाट यात्रा। पाट यात्रा, देखिए जो पाट यात्रा जो रस्म है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो गांव में जाकर के जो बस्तर के आदिवासी है, ग्राम देवता से इजाजत लेकर के ग्राम जो जंगल है, जंगल के देवता से वे आपका उससे अनुमति लेकर के, जंगल के देवता से अनुमति लेकर के उस जंगल के सबसे मोटे वृक्ष के तने को काट करके लाते हैं। तो जो तने को जो काट करके लाते हैं वो तना कहलाता है आपका ठुरलू खोटला। पिछले करंट अफेयर में हम कवर कर चुके हैं। तो उस ठुरलू खोटला को लाया जाता है पाट यात्रा रस्म के अंतर्गत। उस ठुरलू खोटला की लकड़ी को लाते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद उस ठुरलू खोटला की लकड़ी से रथ निर्माण के औजार बनाए जाते हैं। समझिएगा, रथ का निर्माण नहीं किया जाता, रथ को निर्माण किए जाने वाले औजार बनाए जाते हैं ठुरलू खोटला लकड़ी से, ठीक। तो ये जो आपके पाट यात्रा पर्व के समय एक ठुरलू खोटला लकड़ी लाई जाती है और एक साल वृक्ष की लकड़ी लाई जाती है। तो पाट यात्रा पर्व से ही आपके उस ठुरलू खोटला लकड़ी से रथ निर्माण के औजार बनाना प्रारंभ हो जाता है। तो जब औजार का निर्माण हो जाता है तो औजार के निर्माण के पश्चात अब समय आता है रथ के निर्माण का। तो रथ निर्माण प्रारंभ करने के लिए ये रस्म लाई गई है आपके डेरी गंडाई रस्म के बाद ही आपका बस्तर दशहरे के रथ का निर्माण प्रारंभ होता है। देखिए सिरहा सार भवन,
सिरहासार भवन में। कहाँ पर ये रस्म कहाँ होती है? सिरहासार भवन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न यदि आपसे पूछा गया सिरहासार भवन कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिरहासार भवन में आपका बिरिंगपाल से लाई गई, बिरिंगपाल, बिरिंगपाल ग्राम से लाई गई साल वृक्ष की लकड़ी की पूजा की जाती है। देखिए साल वृक्ष की लकड़ी, मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा भी था कि जो बस्तर के रथ का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है, तो वो ये है, साल वृक्ष की लकड़ी से बस्तर के रथ का निर्माण किया जाता है। ठीक, बिरिंगपाल से लाई गई साल वृक्ष की लकड़ी की यहाँ पूजा की जाती है। देखिए अंडे और मोंगरी मछली की बलि देकर के इस रस्म की अदायगी की जाती है, अंडे और मोंगरी मछली की बलि देकर के इस रस्म की अदायगी की जाती है। कि जो आपके बिरिंगपाल से लाई गई जो ये साल वृक्ष की लकड़ी है उसे इस सिरहासार भवन में एक जगह में इन्हें गड़ा करके उसमें आपके हल्दी चंदन इसका लेप लगा करके सफ़ेद कपड़े से लपेट करके उसे एक जगह गड़ा दिया जाता है, उसके सामने अंडे मोंगरी मछली और अन्य प्रकार की वस्तुओं की उसकी बलि दी जाती है, और बलि देने के बाद ही इस साल वृक्ष के लकड़ी से बस्तर के रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। ठुरलू खोटला लकड़ी जिससे बस्तर के दशहरे के रथ के औजार बनाए जाते हैं, साल वृक्ष की लकड़ी जिससे बस्तर के दशहरे के रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, कौन से रस्म से? डेरी गंडाई रस्म के पश्चात, मोंगरी मछली के बलि देने के पश्चात आपके इस साल वृक्ष की लकड़ी की पूजा अर्चना करके मोंगरी मछली की बलि दे करके उसे एक जगह पर गड़ा करके उस पर हल्दी चंदन का लेप लगा करके पूजा अर्चना के पश्चात झार उमर गांव एवं बेड़ा उमर गांव दो गांव है वहां पर, झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के कारीगर इस रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। ये रसम हो गई, इस रसम में लकड़ी की पूजा पाठ हो गया, मोंगरी मछली की बलि दे दिए, अब उस लकड़ी का उस झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के जो कर्मचारी है उस रसम से अगले एक महीने के भीतर इस रथ का निर्माण करेंगे। इंपॉर्टेंट है रसम, याद रखिएगा, जो कि आपका सिरहासार भवन में होता है, बिरिंगपाल से, बिरिंगपाल ग्राम से आपके साल वृक्ष की लकड़ी दी जाती है, लकड़ी में पूजा अर्चना की जाती है, पूजा अर्चना में अंडा मोंगरी मछली की बलि देकर के इस लकड़ी से फिर इस झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के जो कारीगर है वो इससे रथ निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं, इसका रथ का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिंगेश्वरी माता का मंदिर, लिंगेश्वरी माता का मंदिर ये मौजूद है आपका आलोर ग्राम फरसगांव ब्लॉक कोंडा गांव के फरस गांव के अंतर्गत आपके आलोर ग्राम में मौजूद है आपके लिंगेश्वरी माता का मंदिर। ये जो लिंगेश्वरी माता का मंदिर है ये पूरे साल भरे में केवल एक दिन के लिए इसकी गुफा को खोली जाती है, समझिएगा, साल भरे में केवल एक दिन आपका जो भादो पक्ष में, भादो माह में जो आपका नवाखाई पर्व जो मनाया जाता है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये जो किसान लोग नवाखाई जो त्यौहार मनाते हैं, किसान अपने पहले फसल के पहले अनाज को ग्रहण करने से पहले अपने देवी देवता को वो अनाज को चढ़ाते हैं, वो कहलाता है आपका नवाखाई। तो इस नवाखाई त्यौहार के बाद पड़ने वाले पहले बुधवार के दिन इस लिंगेश्वरी माता के मंदिर की गुफा को खोला जाता है। ठीक, साल में केवल एक दिन के लिए गुफा खुलता है। ये जो गुफा है ये मौजूद है आपके फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत कोंडागांव जिले में आलोर ग्राम में। ठीक, ये जो है इस लिंगेश्वरी जो माता का मंदिर है ये साल में एक बार एक दिन के लिए खुलता है। इसकी गुफा में शिवलिंग है। देखिए मंदिर जो है, मंदिर माता का मंदिर है लेकिन माता का एक लिंग के रूप में पूजा किया जाता है। इस मंदिर या इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग है जिसे माता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर जो निसंतान दंपत्ति है या जो आपके पति पत्नी है जिनकी संतान नहीं है वो इस दिन इस मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करके आपके संतान की यहाँ पर मन्नत रखते हैं, कामना करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, आपके फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत कोंडागांव जिले में, जहां जो कि साल में एक दिन एक बार इस गुफा का द्वार खोला जाता है, जहां पे केवल पति पत्नी या किसी दंपत्ति को ही पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है
आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रेता एवं विक्रेता सम्मेलन, राष्ट्रीय क्रेता एवं विक्रेता सम्मेलन, इसका आयोजन किया जा रहा है आपके रायपुर में 20 से 22 सितंबर के मध्य, यानी आज से 20 से 22 सितंबर के मध्य इस अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की फसल उपज है, कृषि उपज है, जैसे धान के अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, धान हो गए, मशरूम हो गए, ठीक गेहूँ हो गए, यानी बहुत सारे आपके कृषि उपज है, बहुत सारे आपके वन उपज है, इन कृषि उपजों का और वनोपजों को आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ब्रांडिंग करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान दिलाने के लिए इस आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है 20 से 22 सितंबर के अंतर्गत, जिसमें लगभग आपके 60 देशों के कुछ आपके प्रतिनिधि यहाँ पर विजिट करने वाले हैं हमारे रायपुर में। कितने हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय क्रेता एवं विक्रेता सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है रायपुर में, डेट याद रखिएगा 20 से 22 सितंबर के आसपास, जिला का नाम याद रखेंगे, जिला इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका देश का 32वां सुपर कंप्यूटर, देश का 32वां सुपर कंप्यूटर ये है आपके NIT रायपुर में, NIT रायपुर इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। देखिए ये जो CDEC है, CDEC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है व्यापम, CDEC का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि सुपर कंप्यूटर का जो सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करता है CDEC। देखिए ये जो है ये देश का रायपुर NIT में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, समझिएगा सुपर कंप्यूटर रायपुर NIT ने खुद बनाया है, ये जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है ये देश का 32वां, देश के तेज सुपर कंप्यूटर में 32वें नंबर का सुपर कंप्यूटर है। देखिए ये जो है आपका CDEC जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड, उसकी फोरकास्टिंग पावर एक उसका एक पैरामीटर होता है। कंप्यूटर बहुत सारे बनते हैं, NIT के द्वारा भी एक कंप्यूटर बनाया गया है, इसका एनालिसिस किया है CDEC ने इसका जो पैरामीटर है, जो एक सुपर कंप्यूटर का पैरामीटर होना चाहिए, वो पैरामीटर के बेंचमार्क को इसने फुलफिल किया है NIT के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर ने। तो ये जो सुपर कंप्यूटर जो बना है, CDEC ने इसे अप्रूवल दे दिया है कि यह एक सुपर कंप्यूटर है। इसके साथ साथ ये आंकड़े भी निकल कर सामने आए हैं कि ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है, ये देश का 32वां सुपर कंप्यूटर है, देश का 32वां सुपर कंप्यूटर है, और किसी भी NIT संस्था प्रदेश में, सॉरी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कुल 31 NIT मौजूद है। अलग अलग राज्यों में आपके 31 NIT मौजूद है, उन 31 NIT में से हमारा जो आपका रायपुर का NIT एकमात्र ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसा NIT है जिसके पास अब खुद का स्वयं का एक सुपर कंप्यूटर मौजूद है। देखिए किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसमें आपका केवल 5 IIT, ठीक 5 IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT से नीचे होता है NIT से नीचे, फिर बाकी अलग अलग आपके बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है अभी तक किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में केवल पाँच आपके IIT के पास मौजूद था। हमारा छत्तीसगढ़ के रायपुर का NIT पहला ऐसा NIT संस्था है जिसके पास अब खुद का आपका सुपर कंप्यूटर मौजूद है। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका व्यक्ति विशेष में पहले नंबर पर है आपका हरप्रीत सिंह भाटिया, जिन्हें विजय हजारे वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। अभी विजय हजारे जो वनडे क्रिकेट टीम है, इसका आयोजन होने वाला है आपके बेंगलोर में। विजय हजारे वनडे क्रिकेट जिसका आयोजन होने वाला है आपका, ये एक क्रिकेट का फॉर्मेट है, वनडे क्रिकेट का एक फॉर्मेट है जिसमें एक ट्रॉफी है, ट्रॉफी का नाम है आपका विजय हजारे ट्रॉफी। इस विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, एक वनडे क्रिकेट का आयोजन होने वाला है आपके बेंगलोर में, जो कि 24 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा, ठीक। तो हमारे छत्तीसगढ़ से लगभग 15 सदस्यीय टीम का चयन हुआ है, उस टीम को लीड करेंगे, उस टीम के कप्तान होंगे आपके हरप्रीत सिंह भाटिया। प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है अक्सर, व्यापम पूछता है, ठीक। पिछले बार जो रणजी टीम लगभग 2014-15 या 16 के आसपास का है, रणजी टीम के कप्तान कौन थे करके प्रश्न आया था, उस समय थे मोहम्मद कैफ, ठीक। तो ऐसा प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा हरप्रीत सिंह भाटिया जो कि विजय हजारे वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान,
बनाए गए हैं। ठीक, 24 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। समझिएगा, पहला मैच जो हमारा छत्तीसगढ़ है, देखिए 24 सितंबर से इसका आयोजन होने वाला है और 24 सितंबर को पहले ही दिन छत्तीसगढ़ का मुकाबला होगा आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाला यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न आ सकता है, छत्तीसगढ़ वर्सेस आंध्र प्रदेश। ठीक, देखिए ये तो था बेसिक। अगर थोड़ा डीप में जाएंगे तो डीप में जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को एलिट ए ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। एलिट ए ग्रुप में हमारा छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गोवा, सौराष्ट्र, झारखंड और मुंबई। बेसिक है, याद रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा एलिट ए ग्रुप के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ को रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गोवा, सौराष्ट्र, झारखंड और मुंबई शामिल है। छत्तीसगढ़ का पहला मुकाबला होने वाला है आपका आंध्र प्रदेश के साथ, आयोजन हो रहा है आपके बेंगलोर में। हमारे छत्तीसगढ़ टीम के कप्तान है आपके हरप्रीत सिंह भाटिया। नेक्स्ट है सत्यवती नेताम, जिन्हें स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पूरे 27 राज्य से एक एक महिला का चयन किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ से जिस महिला का चयन हुआ है उनका नाम है आपका सत्यवती नेताम को स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। 27 राज्य से एक एक महिलाओं का चयन हुआ था इस पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है कुलपति नियुक्ति। देखिए दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त की गई है डॉक्टर अरुणा पलटा। इस दुर्ग विश्वविद्यालय की यह पहली महिला कुलपति है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, ये ऐसे टाइप का प्रश्न अक्सर व्यापम पूछता है, पीएससी ऐसा प्रश्न नहीं पूछता। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय या फिर दुर्ग विश्वविद्यालय, इसकी कुलपति नियुक्त हुई है डॉक्टर अरुणा पाटला, जो कि पहली महिला कुलपति है इस दुर्ग विश्वविद्यालय की। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो आपका लॉ यूनिवर्सिटी है हमारे प्रदेश का, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति नियुक्त हुए प्रोफेसर वी सी विवेकानंद कुलपति नियुक्त हुए आपके लॉ यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका कानून, जो कैबिनेट के द्वारा कुछ कानून पारित किए गए हैं उसे समझिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सर्वेक्षण आयोग, आप सभी को मालूम होगा कि प्रदेश में जो कैबिनेट ने एक अध्यादेश जारी करके प्रदेश में जो आपका आरक्षण है उसे 58% से बढ़ा करके 82% कर दिया है, तो इस 82% में आपके 10% जो है वो सवर्णों को शामिल किया गया। सवर्ण मतलब जनरल कैटेगरी, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। तो इसके लिए जो हमारे प्रदेश में, देखिए SC ST OBC जनसंख्या के अनुपात पे इनकी संख्या कितनी है इसके आंकड़े गवर्नमेंट के पास मौजूद है, लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया आरक्षण का एक नया पैमाना लाया गया था जिसका नाम था सवर्ण आरक्षण, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू कर दिया गया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं है, तो इन आंकड़ों को जुटाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सर्वेक्षण आयोग। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपके छवि लाल पटेल, जो कि बिलासपुर जिला कोर्ट के ये रिटायर्ड जज है। ठीक, रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है, नाम क्या है, छवि लाल पटेल, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष है। प्रदेश में वो 10% जो सवर्ण आरक्षण है उसके अंतर्गत कितने लोगों को शामिल किया जाना है उनकी मात्रात्मक यानी संख्या निकालने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। देखिए आरक्षण का परसेंटेज है जो 58% से बढ़ा करके 82% कर दिया गया है। ठीक, इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने एक आपका अध्यादेश जारी किया था। ठीक, अध्यादेश, ये अधिनियम नहीं है, अध्यादेश क्या है, अध्यादेश क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे।
इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, ये आपके पीएससी प्री में नहीं आएगा, पीएससी प्री में नहीं आएगा, ये काम आएगा आपके पीएससी मेंस में। आंसर राइटिंग में यदि इस पूरे नाम को लिखेंगे, जो भी नाम बताने वाला हूँ उस पूरे नाम को लिखेंगे तो आपके आंसर को एक अलग से हाईलाइट मिलेगा, समझिएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है, एससी एसटी ओबीसी लिखा है, ऐसे मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, मेरे पास स्पेस कम रहता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, समझ रहे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019। इससे पहले जो ये आपका आरक्षण का था, आरक्षण का जो संशोधन किया गया था वो किया गया था वर्ष 1994 के बाद अब एक नया संशोधन लाया गया है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019, जो कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ है आपका 4 सितंबर को आपका राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, समझिएगा। ये क्या है, ये अधिनियम नहीं है, ये अध्यादेश है। अध्यादेश क्या होता है, जब प्रदेश में विधानसभा सत्र में ना हो, यानी प्रदेश की विधानसभा मौजूद ना हो, प्रदेश में विधानसभा सत्र में ना हो और कुछ महत्वपूर्ण कानून यदि पारित किया जाना हो तो उस कंडीशन में कैबिनेट कुछ निर्णय ले सकती है और आपके राज्यपाल के द्वारा उस कैबिनेट के निर्णय को अध्यादेश के रूप में जारी किया जा सकता है, ठीक, समझिएगा। ये तो था आपका बेसिक, अब छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडी से प्रश्न पूछा जाएगा, अनुच्छेद 213 के खंड एक, ठीक, अनुच्छेद 213 के खंड एक के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड एक के अंतर्गत बताया गया है कि जब विधानसभा सत्र में ना हो, विधानसभा जब सत्र में ना हो, देखिए कानून बनाने का काम कौन करता है, कानून बनाने का काम विधानसभा का है, राज्य में जो कानून बनाया जाता है वो कानून बनाता है आपका विधानसभा, लेकिन विधानसभा सत्र में नहीं है तो कानून कौन बनाएगा, तो उस कंडीशन पे आता है अध्यादेश। जब विधानसभा सत्र में नहीं है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 का ये कहता है कि जब विधानसभा सत्र में ना हो तो उस समय राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और कानून बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस अनुच्छेद 213, इस खंड एक को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को यह शक्ति है कि विधानसभा यदि सत्र में ना हो, विधानसभा यदि सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके भी कोई कानून पारित कर सकता है। तो देखिए ये जो आपका लाया गया है, ये जो आपके राजपत्र में प्रकाशित हुआ है ये अध्यादेश, उसमें ये क्लियरली मेंशन है, तो ये प्रश्न आपके भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल स्टडी का प्रश्न बन सकता है। अनुच्छेद 213 या राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानसभा सत्र में ना हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब समझिएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 के अंतर्गत जो आपका धारा 2 है, धारा 2 इसमें संशोधन किया गया है या आपका संशोधन अध्यादेश है, तो संशोधन अध्यादेश में धारा 2 के खंड झ, धारा 2 के खंड झ के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिभाषित किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा एसटी एससी ओबीसी आरक्षण का जो आपका अध्यादेश है इसमें आपका एससी एसटी ओबीसी का तो परिभाषा पहले से ही तय किया गया था, लेकिन अब किन्हें शामिल किया गया है, किन नए कैटेगरी को शामिल किया गया है, सवर्ण आरक्षण को, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल किया गया, तो किन्हें आर्थिक रूप से कमजोर माना जाएगा, उनका पैमाना क्या होना चाहिए, तो वो परिभाषा इस छत्तीसगढ़ लोक सेवा एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश के धारा 2 के खंड झ के अंतर्गत इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को या सवर्णों को परिभाषित किया गया है, उनका क्राइटेरिया, उनका पैमाना और किन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग माना जाएगा वो उसकी परिभाषा इस अध्यादेश के धारा 2 के खंड 6 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। पीएससी प्री का प्रश्न बनना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बनता है और इससे रिलेटेड प्रश्न यदि मेंस में आता है तो आपको ये पूरा नाम मेंशन करना है और आपको ये धारा खंड झ के अंतर्गत इन्हें परिभाषित किया गया है ये पूरा चीज़ आपको मेंशन करना है, आपके आंसर को काफ़ी अच्छा हाईलाइट मिलेगा। नेक्स्ट, धान खरीदी, प्रदेश सरकार के द्वारा आगामी खरीफ वर्ष में धान खरीदी का नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, नया लक्ष्य है आपका 85 लाख मैट्रिक टन, पिछले वित्तीय वर्ष में आपका 75 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था,
लक्ष्य से ज्यादा धान की खरीदी हुई, लगभग 80.3 लाख मैट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी हुई थी। तो इस बार इस वित्तीय वर्ष में, इस खरीफ वर्ष में आपका 85 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। और इतनी धान की खरीदी के लिए इस 85 लाख मैट्रिक टन यानी इस लक्ष्य की धान की खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 21,250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, 21,250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसमें से केंद्र सरकार से उसने 15,045 करोड़ रुपए की मांग की है। 21,250 करोड़ रुपए में से 15,045 करोड़ रुपए की मांग उसने केंद्र सरकार से की है, जबकि राज्य सरकार स्वयं से 6,205 करोड़ रुपए स्वयं जुटाएगा बजट के माध्यम से। मांग तो किया गया है 15,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन केंद्र सरकार देगा नहीं, ठीक। खरीदी का लक्ष्य कितना है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। अभी वर्तमान में जो हमारा खरीफ वर्ष है, जो अभी इस खरीफ वर्ष के लिए जो आपके धान खरीदी का जो रेट केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है वो है आपका 1815 रुपए। सामान्य धान की खरीदी किस कीमत में की जाएगी, 1815 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। हमारी प्रदेश सरकार कितने में कर रही है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, यानी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 685 रुपए प्रति क्विंटल अधिक। उस 685 रुपए को अधिक, उस 685 रुपए कीमत को याद रखिएगा, इनडायरेक्टली प्रश्न पूछना हुआ तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। प्रदेश सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदना चाह रही है, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है 1815 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से 685 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमतों पर धान की खरीदी करेगी। नेक्स्ट है आपका रैंकिंग ठोस कचरे के निपटान में, ठोस कचरे के निपटान में जो हमारा छत्तीसगढ़ है पहले नंबर पर है। जो ठोस कचरा का जो निपटारा होता है, प्रोडक्ट जितना प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 85% के आसपास कचरे का निपटान छत्तीसगढ़ कर देता है, अलग अलग माध्यम से। आप सभी पढ़े होंगे आपका लैंड डंपिंग, गड्ढा खोद करके दबा देना या भस्मीकरण, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग तरीके से मतलब आपका ये कचरे का निपटान होता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ इस मामले में पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पहले नंबर पर है। जितना भी कचरा का उत्पादन होता है हमारे प्रदेश में लगभग 6,1885 मेट्रिक टन के आसपास कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से आपका 85% के आसपास ठोस कचरे का निपटान हमारा छत्तीसगढ़ कर देता है। पीएससी प्री में नहीं आएगा, व्यापम में ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंध पर्यावरण और आपका पारिस्थितिक तंत्र पीएससी मेन्स का एक क्वेश्चन पेपर है, उसके अंतर्गत ये आपके आंकड़े आपके क्वेश्चन में आपके आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं। पूरे इंडिया में आपका 8.22 करोड़ मैट्रिक टन के आसपास का कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से सर्वाधिक कचरा आपके महाराष्ट्र से और दिल्ली से होता है। भारत में सर्वाधिक कचरा निकलता है आपके महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का सेकंड नंबर पर है दिल्ली। हमारा छत्तीसगढ़ देखिए ये इन राज्यों से कचरा सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, ठीक, कचरा सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, लेकिन ठोस कचरे के निपटान में कचरा जो निकला उसका निपटारा कौन अच्छे तरीके से कर रहा है, उस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जल शक्ति अभियान आप सभी को इसका थोड़ा एक बेसिक जो इसका पृष्ठभूमि है उसको समझ लीजिएगा। ये जो जल शक्ति अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया एक अभियान है। जल शक्ति मंत्रालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जल शक्ति मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी की जो नई सरकार बनी उस नई सरकार में इस नए विभाग का गठन किया गया, ये पहली बार है। देखिए ये जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है ये एकदम नया मंत्रालय है, इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछेगा ही, जो चीज़ समझा रहा हूँ याद रखना। जल शक्ति मंत्रालय जो कि आपके जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, इस विभाग को जोड़ करके गंगा संरक्षण विभाग, नदी विकास और आपका ये जो जल संसाधन विभाग है इन्हें जोड़ करके एक नया मंत्रालय बनाया गया है, आपका जल शक्ति मंत्रालय।
इससे पहले एक जल संसाधन विभाग और पेयजल संसाधन विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग होते थे, अब एक नया विभाग बनाया गया है। इस नए विभाग के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, तो ये जो नया विभाग है इसका मुख्य कार्य है आपका जो नमामि गंगे, नमामि गंगे के अंतर्गत जो आपके गंगा के सफाई अभियान है वो भी कार्य ये संभालेगा। पहले जो नमामि गंगे था ये आपका जल संसाधन विभाग के अंतर्गत था, जल संसाधन से पहले ये पर्यावरण विभाग के पास था, ठीक। तो जैसे नमामि गंगे हो गया, नदी जोड़ परियोजना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद है, नदी जल विवाद जैसे कावेरी नदी जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद यानी आपका भारत पाकिस्तान के मध्य जो आपका सिंधु जल समझौता विवाद है, तो इस प्रकार के जल विवादों का निपटारा, नदी जोड़ो अभियान, नमामि गंगे अभियान, ये सारे कार्य के लिए अब अलग अलग विभाग ना होकर के एक पर्टिकुलर विभाग बनाया गया जिसका नाम है आपका जल शक्ति मंत्रालय। नया विभाग है, इस बार के जो आपका नई सरकार का गठन हुआ है उसमें इस विभाग को जोड़ा गया है, ठीक। तो मोदी सरकार के इस जल शक्ति मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री है उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम याद रखिएगा, प्रश्न इनसे पूछ सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक। तो इसी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल शक्ति मिशन, जल शक्ति मिशन लाया गया है। जल शक्ति मिशन जिसके अंतर्गत आपका टारगेट रखा गया है नल से जल, नल से जल वर्ष 2024 तक, वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, भारत के प्रत्येक घर में आपके पाइपलाइन के माध्यम से, नल के माध्यम से जल दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। पूरे भारत भर में हर एक घर में आपका नल के माध्यम से जल दिए जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करा की जाएगी इस जल शक्ति मिशन के अंतर्गत, नल से जल जिसका टैगलाइन है नल से जल, लक्ष्य रखा गया 2024 तक। तो इसी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस जल शक्ति अभियान को लाया गया है जिसमें टारगेट किया जा रहा है ऐसे जिलों को जो कि जहाँ पे भूजल स्तर यानी जो आपके जमीन के नीचे जो पानी का स्तर है, जमीन के नीचे पानी का स्तर, पानी की व्यवस्था करना या वर्षा के पानियों को जो संरक्षण करना, अलग अलग पैरामीटर है उसके आधार पर पूरे भारत भर में से एक्चुअली टारगेट किया गया है भूजल स्तर के, जिन जिलों में भूजल स्तर काफ़ी आपके लेवल से काफ़ी नीचे हो चुका है उन जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है। भारत के कुल 256 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन 256 जिलों में से हमारे राज्य के दो जिले शामिल है, एक है रायपुर, दूसरा है बालोद, ठीक। ये जो आपका जल शक्ति अभियान है, जल शक्ति अभियान ये प्रारंभ किया गया था आपका 1 जुलाई 2019 से इस जल शक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया था। इसमें दो चरणों में रैंकिंग होगी। पहला चरण जो कि आपका 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक इसकी पहली रैंकिंग आई है। तो इस 1 जुलाई से लेकर, देखिए 15 सितंबर अभी बीच में ही आपका ये 15 सितंबर पूरा एंड हो गया, तो ये जो 15 सितंबर को जो इसकी फाइनल रैंकिंग आई, प्रथम चरण की जो पहली रैंकिंग आई 1 जुलाई से लेकर, जो 15 सितंबर तक जो रैंकिंग होना था, तो 15 सितंबर को जो फाइनल रैंकिंग आई उस फाइनल रैंकिंग में बिहार का जो गया है, बिहार का जो गया जिला है वो पूरे भारत भर में टॉप किया है। बिहार का गया जिला पूरे भारत भर में टॉप किया है, जबकि हमारे प्रदेश का जो बालोद है, प्रदेश का जो बालोद है वो इन 256 जिले में आपके 7वें स्थान पर है और जो रायपुर है वो 32वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग, याद रखिएगा। दूसरा चरण है, दूसरा चरण पर प्रारंभ होगा, वो होगा आपका 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक। अब उसमें इनकी रैंकिंग क्या रहेगी वो उस समय देखा जाएगा। इसमें जो रैंकिंग तैयार किया जा रहा है कि ये जो आपके 256 जिले जो चिन्हांकित किए गए हैं वो अपने क्षेत्र में या अपने ब्लॉक के जलों के संरक्षण के लिए क्या कार्य कर रहा है, जैसे वर्षा के जल को आपके छतों के माध्यम से, मतलब घर के छतों में वर्षा के जल को एकत्रित करना, और जो तालाब नए तालाब खोद करके वहाँ पे वर्षा के जल को एकत्रित करना, मतलब अपने जो जिले के अंतर्गत भूमिगत जल को वो किस प्रकार से बढ़ाने के लिए एक कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से ये रैंकिंग आ रही है। पहले चरण में आपका 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक पहला चरण था जो कि बेस था आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर, ठीक। पहला जो चरण था वो था आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर, दूसरा चरण जो रहेगा वो आपका उत्तर पूर्वी मानसून के ऊपर बेस रहेगा। ये डीप कॉन्सेप्ट है उसे मत जाइएगा, बस रैंक याद रखिएगा। इस जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हमारा बालोद और आपका रायपुर शामिल है। इसके प्रथम चरण की फाइनल रैंकिंग में जो 15 सितंबर को आई उसमें बालोद हमारा 7वें स्थान पर है, रायपुर 32वें स्थान पर है,
खत्म। इतना आंकड़ा है, इतने आंकड़े याद रखिएगा, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखिए सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को मैंने डिटेल से बताने का कोशिश किया है। ये जो जल शक्ति अभियान है, जल शक्ति अभियान जो कि नेशनल नेशनल करंट अफेयर का भी एक टॉपिक है, इसके वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है उसे याद रखिएगा। ठीक, तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।